अलका जी, आप और ऐसी नई टीम है, पर आप तो आस्था बाबी के साथ ही हैं। अच्छा, तो घर के टेंशन भगाने का ये तरीका अपनाया आपने। अच्छा है, इससे अच्छा तरीका और हो भी कह सकते हैं। थैंक गॉड अलका जी, जब मेरे साथ होती है ना तो कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती नहीं। वैसे बात क्या है, आप इतनी हॉट कैसे लग रही हैं? आज के बाद मैं हमेशा आपके लिए हॉट ही लगूंगी। भाभी, आप यहाँ, भाभी आप जाइए यहाँ से। कितने क्यूट हो आप देवर जी, दिल में कुछ और चल रहा है, जुबान पे कुछ और। भाभी, क्या पागलों वाली बातें कर रही हैं आप? पागलों वाली नहीं, प्यार वाली। पिछले कुछ दिनों में जब जब आप मेरे करीब आए, मुझे प्यार से बातें की, मेरा हाथ थामा, मैंने ये रियलाइज किया कि आप सिर्फ क्यूट ही नहीं, हॉट और हैंडसम। भाभी बंद कीजिए आप ये बकवास, क्या हो गया आपको? अब चली जाइए यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगा इतनी तमीज की आप मेरी। ये तो मैं चाहती हूँ रोहन, कि तुम सारे तमीज भूल जाओ। भाभी क्या हो गया आपको? भैया सही कह रहे थे कि आप तमीज के लायक ही नहीं है, शर्म आती है आपको? जाइए यहां से। आप, आपने सोच कैसे लिया, सोच कैसे लिया आपने कि आप मेरे से? छी, सुनील भी मुझे छोड़ के चले गए, मैं क्या करूंगी? प्लीज मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ दिए। देखिए आप किसी को कुछ मत बताइएगा, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। छोड़िए मुझे, अगर आइंदा आपने ऐसी गंदी हरकत करने की कोशिश की, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि मैं चुप नहीं रहने वाला। देखनो, अरे तूने मुझे गिराना है गिरा, मुझे जलाना है जला, कोई और चोट पहुंचानी है तो पहुंचा ना, लेकिन कम से कम इस हमदर्दी का ड्रामा तो मत कर। ये कैसे हो सकता है, हमने ये सब किया है? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वरना तुम कभी इतनी लेट तक नहीं सोती हो। काजल भी तुम्हें उठाने आई थी, पर तुम उठी नहीं। कहीं है? काजल ने तो नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रजत, नहीं, हम उन्हें ये सब नहीं बता सकते, वो यहां से दूर है,
फालतू में टेंशन में आ जाएंगे। कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? अरे अरे शांत पतिदेव जी शांत, हमने जानबूझकर थोड़ी ना फोन नहीं उठाया है। वो फोन किचन में था तो हमें पता ही नहीं चला, वरना हम आपका फोन ना उठाए ऐसा कभी हो सकता है? आपको तो पता ही है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा अब ज्यादा क्यूट मत बनो, ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? बाकी सब ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है। क्या? आप यहाँ भी नहीं है ना? फिर से क्यूट बन रही हो, बताओ ना तुम्हारी तबीयत कैसी है? यहाँ एक तो कुछ पता नहीं चल रहा है, इतना दूर बैठा हूँ मैं। अरे अरे बताए ना, हम ठीक है, अब शायद डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। और आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, एक बड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या? तुम यहाँ नहीं हो। अभी आप ज्यादा क्यूट मत बनिए, बताइए ना आप कब तक वापस आ रहे हैं? 2-3 दिन और लगेंगे ट्रेनिंग खत्म होने में। I'll miss you, Rajat. I miss you too. Bye. Bye. और पता है दिव्यानी, आस्था भाभी रोती रही पर फिर भी सुनील भैया ने उनसे डिवोर्स पेपर पे साइन करवाया और चले गए। और वो उनकी स्पेशल वाली बीमारी, उसका क्या हुआ? वो तो रोहन जीजू को सुनील भैया समझ रही थी ना, फिर वो बीमारी तो सुनील भैया को देखते साथ ही बंद हो गई। अब पता नहीं सच में वो बीमारी थी या फिर कोई ड्रामा। जो भी था दीदी, अब सब कुछ ठीक हो गया ना, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अच्छा सुनो दिव्यानी, एक बात बताओ तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? I'm really sorry, हम नहीं आ पाए। तुम हमसे गुस्सा तो नहीं हो ना? दीदी जितनी भी टेंशन थी सारी आप ही के घर में थी, अगर आप आते ना तो हम आपसे जरूर गुस्सा होते। अच्छा बाबा ठीक है। अच्छा सुनो ना दिव्यानी, हम एक काम करते हैं, हम आज ही आ जाते हैं, अनु को भी बुला लेंगे, बहुत टाइम हो गया ऐसे ही बैठ के टाइम वेस्ट किए हुए, लोगों की चुगली किए हुए। दीदी हम ये चुगली सेशन बाद में करेंगे, एक्चुअली ना हमें आज अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना है, प्रिया से। और हाँ अगर अब हो सके तो उससे सारी काम की बातें करेंगे कि वो हमारे साथ ज्वाइन कर ले, अगर ऐसा हुआ ना तो आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे वाह दिव्यानी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, शंकर जी करे ऐसा ही हो, अब वो लड़की तुम्हारे साथ काम करने के लिए मान जाए। ऑल द बेस्ट। हाँ और भगवान ये भी करे कि आस्था भाभी की कभी कोई भी चाल कामयाब ना हो। अच्छा ठीक है दीदी, हम आपसे बाद में बात करते हैं, अभी हमें लेट हो रहा है। बाय बाय। रोहन जी आस्था भाभी नहीं आई अभी तक, हम उन्हें बुला के लाते हैं। अब रहने दीजिए ना जी, वो उन्हें खाने का मन नहीं होगा, बाद में खा लेंगी वो। क्या रोहन जी अकेले खाएंगी क्या? आप भी ना, हम अभी देख के आते हैं। पिछले कुछ दिनों में जब जब आप मेरे करीब आए मैंने ये रियलाइज किया कि आप सिर्फ क्यूट ही नहीं हॉट और हैंडसम। भाभी बंद कीजिए अपनी ये बकवास। रोहन जी रूम में तो कोई नहीं है, सिर्फ ये चिट्ठी पड़ी हुई थी आपके लिए, लिखा है कि वो कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हैं और कल रात को जो भी कुछ हुआ उसके लिए सॉरी है। ऐसा क्या हुआ कल रात को रोहन जी? भैया ने तो जो भी कुछ किया उसमें आस्था भाभी की तो कोई गलती थी नहीं, तो फिर भाभी किस चीज के लिए माफी मांग रही है? वो मैं भी रोहन जी